अंधविश्वास। जिन कार्यों को भाग्य, अवसर, तंत्र मंत्र, टोने टोटके के ऊपर निर्भर होकर किया जाता है, वे सब अंधविश्वास है। आज के 21वीं सदी में भी देश में अनेक लोग अंधविश्वास में यकीन करते हैं। अंधविश्वास बहुत ही बुरी चीज होती है, क्योंकि यह हमारे भय, निराशा, असहायता व ज्ञान की कमी को दर्शाता है। यह बहुत ही दुखद है कि बहुत से पढ़े लिखे लोग भी अंधविश्वासों में जकड़े होते हैं। बहुत से अंधविश्वास बहुत ही हास्यास्पद होते हैं, जैसे कि 13 नंबर को अशुभ माना जाता है, बिल्ली के रास्ता काटने से माना जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है। देश में हर दिन कोई ना कोई अंधविश्वास की घटना सुनने को मिल रही है। हर व्यक्ति जीवन में किसी न किसी समस्या से घिरा हुआ है। रोजमर्रा की ऐसी तमाम समस्याओं को हल करने के लिए कुछ लोग धैर्य नहीं रख पाते हैं और जल्द से जल्द समस्या का हल चाहते हैं। ऐसे में जब भी परेशान लोगों को कोई उपाय का लालच देता है तो लोग ऐसे लोगों के चक्कर में आ जाते हैं। ऐसे लोग अक्सर बाबाओं, साधुओं, तांत्रिकों के बहकावे में आकर अपना धन इज्जत गंवा बैठते हैं। अधिकतर स्त्रियां पुत्र संतान पाने के लिए बाबाओं के चक्कर लगाती है। ऐसे बाबा साधु भोली भाली औरतों से मोटी रकम वसूलते हैं, कई बार उनकी इज्जत पर भी खतरा उठ जाता है। अंधविश्वास से मुक्त पाने के लिए देश के सभी नागरिकों को आगे आना होगा। हर किसी के जीवन में कोई न कोई समस्या है, पर इसका यह अर्थ नहीं है कि उसे हल करने के लिए हम पाखंडी बाबाओं, साधुओं, तांत्रिकों के झांसे में आ जाएं।